Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो ऑफिस जा रही हूँ और आज है पहला अर्घ छठ पूजा का। तो आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज मैं कोशिश करूँगी कि छठ घाट जाया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि बिहार में छठ पूजा कैसे होता है। वैसे चैती छठ मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कैसा होता है बिहार में। कार्तिक वाले छठ ज़्यादातर सभी करते हैं तो उसके बारे में आइडिया है, बट चैती छठ का आइडिया नहीं है। मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आज कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ और अगर जाऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी कि बिहार में घाट में छठ पूजा कैसे होता है। क्योंकि कार्तिक का छठ पूजा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत अनकंडीशन इतना भीड़ होती है कि घाट पे जाने वाले जो रास्ते होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं उसका बता सकती हूँ, बट मैंने चैती छठ में कभी भी नहीं एक्सपीरियंस किया है छठ घाट पे कैसा पूजा होता है। तो आज मैं जाने की कोशिश करूँगी और होपफुली आपको भी दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस और मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो फिर मिलते हैं शाम को। अभी मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं ऑफिस आने से पहले गई थी, मुझे अपने आधार पे अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना था तो उसके साइट पे गई थी पता करने के लिए। पता करके आई फिर मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे ही ऑनलाइन अपना आधार लिंक कर सकती हूँ, मोबाइल लिंक कर सकती हूँ आधार से। तो मैंने वो प्रोसेस कर दिया है, देखते हैं कितना काम करते हैं। और अभी मैं ऑफिस का चाय इंजॉय कर रही हूँ और थोड़ा मैंने काम कर लिया है, इंजॉय कर रही हूँ। शॉर्ट में कहाँ आई हुई हूँ, अभी मैं आई हुई हूँ बाजार समिति। और किस लिए आई हुई हूँ? मैं आई हुई हूँ यहाँ पे छठ पूजा के लिए फल खरीदने। जी हाँ, छठ पूजा के लिए। शायद छठ माता चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, इसलिए छठ पूजा के लिए फल खरीदने मैं आ चुकी हूँ। एक्चुअली एक जान पहचान वाले पर्सन ने फ़ोन किया था हबी को, वो पटना में नहीं है और उनके घर छठ हो रहा है तो कुछ फ्रूट्स मार्केटिंग करनी थी। और इतना ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी है, तो घर की जगह लेडी जिन्होंने फास्ट किया है वो कैसे मार्केटिंग करेंगे। कॉल आया था तो अभी ने पूछा, तो मैंने बोला कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, नेकी वो भी पूछ पूछ, छठ पूजा में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो बस लोग आ रहे थे यहाँ पर फ्रूट की मार्केटिंग करने के लिए। और धूप तो इतनी ज़्यादा है, आप लोग धूप में अगर काम ना हो तो बिल्कुल नहीं निकलिएगा, बहुत ज़्यादा धूप है। छठ पूजा के लिए इतना कुछ चलता ही है। तो फिर चलिए छठ पूजा के लिए फल खरीदते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेकिन अच्छा है, वाइट वाइट अच्छा दिख रहा है, यहाँ का ग्रेप भी अच्छा है। Oh,
छोले फ्रूट्स और ये केला का कवर। मतलब देखिए क्या हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, 2-2.5 घंटे लगे हम लोगों को शॉपिंग करते करते, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी तो थोड़ी कम हो गई है। पीछे आओ, गाड़ी आ रही है, थोड़ी कम हो गई है तो अब हम निकलते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी हो गया है कि पूरा गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीने का मजा। और कैसा लग रहा है? बोलो। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो रास्ते में मैंने सोचा कि थोड़ा लस्सी पी लेते हैं यार, तो गला भी सूख रहा था इतनी ज्यादा धूप है, अब चेहरे की हालत देखकर पता लगा सकते हैं। अभी गए हुए हैं हम लोगों ने जो छठ पूजा के लिए मार्केट किया था फ्रूट्स था उसको देने के लिए, मैं नहीं गई, मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, मैंने बोला जाइए आप दे के आइए, और इतना फ्रूट्स महंगा था मैं क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है, छठ पूजा है तो फ्रूट्स तो महंगे होंगे ही, रामनवमी भी है तो जाहिर सी बात है, बट ककड़ी 1 पीस 40 रुपीज़, लिटरली इतना महंगा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी, उनको सब चीज़ देखना है, पूजा भी करना है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था सब्जी या फिर फल जो भी बोलिए, इतना महंगा नहीं होना चाहिए था यार, क्या बोलूँ मैं, पूजा भी करना है सबको, और सबके की तो मैं बात नहीं करती क्योंकि देखिए गरीबों के लिए सरकार कोई ना कोई स्कीम निकालती रहती है, पैसे वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है महंगा हो या कम हो, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हर चीज़ से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खरीदना तो था ही, तो हम लोगों ने भी खरीदा और अभी गए हैं अभी देने के लिए, उसके बाद आते हैं देन फिर हम लोग वापस ऑफिस जाएंगे, और 2-3 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को शॉपिंग करके उनको देने आने तक, और अभी हम लोग राजीव नगर में आए हुए हैं, तो बहुत गर्मी है, हालत पूरी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप है, खैर कोई बात नहीं, ये तो खुशी की बात है कि छठ पूजा के लिए हम लोगों को कुछ करने का मौका मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग भी ज़रूर पूजा में भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, और सिर्फ पूजा में ही क्यों, हमेशा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर आगे मिलते हैं शाम को। इतना अच्छा रोड पर चारों तरफ छाया है, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाना चाहिए, इतनी गर्मी में इस रोड में कितना राहत मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर पेड़ है और हवा चल रही है, कैसे आप सब। थोड़ा लेट हो गया मुझे ऑफिस से आने में, और अभी शाम हो चुकी है, आई थिंक 6 बजने वाले हैं, पता नहीं अभी घाट का क्या हाल होगा, मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट फिर भी मैं जाऊंगी, देखूं कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं रेडी हो चुकी हूं, और घाट पे जाना है ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आउटफिट चेंज कर लिया जाए, तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा, और मैंने इस आउटफिट पे कुछ रील्स भी बनाए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरा आईडी है rinkypandey355, और मुझे आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं बिना देरी किए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना जाम है कि समझ नहीं आ रहा है। हार्दिक अभिनंदन है यहाँ, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगी हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है जाना किधर से। यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ है, पहले चैती छठ का उतना
इतना शोर नहीं था, बट अभी कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। अभी तो मैं लेट हो गई हूँ, फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब चैती छठ के अनुसार, कार्तिक का छठ रहता तब तो बात ही अलग है, बट इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मुझसे तो जितना हो रहा है मैं कैप्चर कर पा रही हूँ। आई होप आपको लोगों को भी दिख रहा होगा भीड़ और समझ आ रहा होगा। जाता है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कितना जम सैलाब उबला पड़ा है। तो बस और क्या ही बोलूं, छठ माता की कृपा है, छठ माता की महिमा है। हर जगह बैंड बाजे गाने सब आपको सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ पे खिलौने भी लगे हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे। मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा से इन्होंने सब मैनेज किया है, मतलब बहुत ही अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और अब चलते हैं बैक टू ऑफिस या फिर देखते हैं, यहाँ से तो पहले निकलूँ। ट्रैफिक का नज़र मार लिया जाए, देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ट्रैफिक है, और नीचे घाट है। नीचे जो भीड़ है वो पूजा होने की है, और यहाँ जो है दोनों रोड में वैसे ही भीड़ है। जहाँ तक नज़र जा रही है बस भीड़ ही भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी मैं घाट से ऊपर आ गई हूँ, पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और हबी और बेटा अभी नीचे ही घूम रहे हैं। मैं ऊपर आ गई, मैंने कॉल किया, वो बोले कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, उसके बावजूद छठ पूजा के लिए लोगों की लोगों में जो आस्था है वो काबिल तारीफ है। इसी को अगर फिर से किसी की चाहो ना तो पूरी कायनात मिलने की कोशिश करें। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना घाट पे। आप मेरे का अभी छठ पूजा नहीं है, मैं बस देखने आई हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जिसके घर हुआ है जो पूजा करने आए हैं उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा, मैं तो इमेजिन करके ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर वेट करती हूँ यहाँ पे, और कोई ऑप्शन है नहीं, अभी आएंगे फिर हम लोग चलेंगे अपनी गाड़ी में। मतलब तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, और ट्रैफिक तो इतनी है कि लग रहा है कि एक घंटे लगेंगे यहाँ। भाई जब ये दीघा घाट है, घाट में आई थी उसको दीघा घाट आगे। यहाँ क्या दुर्गा
समय के द्वारा अंदर में नवमी के दिन में अभी मैं डिनर करने जा रही हूँ। डिनर का टाइम हो चुका है और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो सेफ रहिए, सेफ्टी से रहिए और मैं मिलती हूँ आपके आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वैसे खाने में वेज बिरयानी है और बिरयानी के साथ तो रायता चाहिए ही।